दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की चिंगारी उत्तराखंड में भी भड़क चुकी है। हरिद्वार जिले के रुड़की में मंगलवार की देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सरेआम फांसी की सजा देने की मांग की, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में इसको कोई भी व्यक्ति इसका साथ नहीं देगा। आप देखिए ना, मेरे समाज में रहते हुए दूसरे समाज का व्यक्ति आकर झूठ बोलकर उसे कहता है कि मैं तेरे समाज का हूँ, उसे अपने साथ रखता है, झूठे वादे करता है और फिर उस बच्ची का मर्डर करता है और 35 टुकड़े करके उसने 15 दिन तक उसमें रखा। क्या उसके माँ बाप ने उसे यही शिक्षा दी थी? क्या इस धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि दूसरे धर्म के लोगों को लाओ और उनको मारो? ये बहुत जघन्य अपराध है। मेरा हिंदू भाई जाग चुका है। अब ये अपराध मैं सरकारी तौर पर भी, मैं अपनी सरकार से, मैं अपनी न्यायालय से ये अपनी दिल की संवेदना प्रकट करती हूँ कि आप कड़े से कड़ा दंड दें और ऐसा कानून बनाएं कि कोई व्यक्ति इस अपराध को करने के लिए 10 बार इसमें कार्यक्रम चल रहा है। लव जिहाद का ये घिनौना अपराध है, ये लव जिहाद आतंकवाद है और इसके जो ये कुकृत्य करते हैं उनको घिनौना, ये जो घिनौना अपराध करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और ये फांसी की सजा भी 1 महीने में तय होनी चाहिए और जिससे इन्हें चौराहे पर सूली पर टांगना चाहिए, जिससे कि 10 आदमियों की और आँख खुले, आगे से ले जिहाद बंद हो। अपनी जो बहन और बेटियां उनकी जिस तरह से नरसंहार हत्या की जा रही है, अब हिंदुस्तान का जो हिंदू युवा है उसको जागृत हुआ और उसने कसम खाई है कि नाम पे जिन जिन बेटियों का हमारी कत्ल होगा हम जमीन के नीचे उन लोगों को दफनाएंगे। और हिंदुस्तान का कानून इतना सख्त है, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों को जमीन के नीचे दफनाकर हम तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है उसको हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना जघन्य अपराध 35 टुकड़े कर देना किसी व्यक्ति के जिसके साथ आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, ये आपकी, ये उस व्यक्ति की उस जिहादी मानसिकता को दर्शाता है और ये निरंतर जारी है। ये लगातार इसी प्रकार के अपराध होते जा रहे हैं। यदि लड़की धर्म परिवर्तन करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो उसके इसी प्रकार से टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये एक घटना नहीं है, बार बार लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और कभी भी, मैं खाली हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई अन्य समाज के लोग संवेदना रखते हैं तो उन्हें भी साथ आना चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगानी चाहिए, इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ में मांग उठानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में आफताब ने बर्बरता की सारी हदें पार कर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आड़ी से शव के करीब 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख और इन टुकड़ों को एक एक कर जंगल में फेंकता रहा। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।